नमस्ते फ्रेंड्स मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सबका स्वागत करती हूं आज मैं आप सबके लिए आंवला हेयर ऑयल की रेसिपी लेकर आई हूं जो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके बालों की ग्रोथ के लिए इसे आप बनाकर महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इस हेल्दी आंवला हेयर ऑयल को बनाना आंवला हेयर ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो ग्राम आंवले लिए हैं इन्हें हम अच्छे से धोकर पहुँच लेंगे उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे तो इस तरह से एकदम तो फ्रेश वाले आंवले लें जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रस निकलता है और उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं तो इसलिए जब भी आप ये आंवला खरीदें सेम डे आप इन्हें इस तेल को बना लें तो इस तरह से मैंने इन्हें चॉप कर लिया है और सभी आंवला को इसी तरह से हमें चॉप कर लेना है ये चॉप करने के साथ ही मैं यहाँ पर एक कप करी पत्ता भी ले रही हूँ आप सभी को पता ही करी पत्ते का तेल भी बहुत ही अच्छा रहता है बालों के लिए तो दोनों को मिला हम तेल बनाएंगे तो दोनों चीज़ों को एक मिक्सर जार में हम डाल देंगे मैंने यहाँ पर एक कप करी पत्ता लिया है और साथ ही मैं यहाँ पर मैं ये कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल ले रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है कुकिंग के लिए डाइट फूड सैलड्स के लिए स्किन के लिए और बालों के लिए तो आज हमें यहाँ पे ट्रिपल फ़ायदे मिलने वाले हैं इस तेल के अब मैं करीब 100 एम कोकोनट ऑयल इसमें डाल दूंगी और बाकी का तेल हम बाद में डालेंगे तो पूरा प्रोसेस आप ध्यान से देखें तो ये जो बॉटल है वो 500 हंड्रेड की है तो करीब मैंने यहाँ पे 100 एम ऑयल डाल दिया आप देख सकते हैं कितना थिन और कितना प्योर है और काफ़ी अच्छे से इसके बेनिफिट्स हमको इस तेल में मिलेंगे अब हम ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पीस लेंगे तो इसे हमें एकदम फाइन पीस लेना है जिस तरह से कि हम चटनी बनाते हैं मैंने यहाँ पर तेल इतना ही यूज़ किया है जितना कि हम इसे अच्छे से पीस सकें हम यहाँ पर किसी भी तरह का पानी का यूज़ नहीं करेंगे नहीं तो जो ये तेल हम बनाएंगे इसकी शेल्फ लाइफ कम होगी और इस तरह से यदि आप तेल बनाएंगे तो इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा महीनों तक आप इसे स्टोर करके रूम टेम्परेचर पर ही रख सकते हैं तो इस तरह से हमारे पास में ये आंवला और करी पत्ता का पेस्ट बन चुका है जिसे हमने कोकोनट ऑयल डालकर पीसा है तो आप देख सकते हैं कितना फाइन हमारा ये मिला है और इसी तरह का हमें पीस लेना है अब हम कोई भी एक हैवी बॉटम पैन लेंगे अभी हम गैस को ऑन नहीं करेंगे पहले इसमें डालेंगे जब भी आप इस तरह का तेल बनाएं तो गैस को पहले ऑन ना करें इस तरह से पहले कढ़ाई में बर्तन में डाल दें उसके बाद में फ्लेम को हम ऑन करेंगे और लो पे सेट कर लेंगे और इसे कंटिन्यू हिलाते हुए हम पकाएंगे हमें यहाँ पर इसे इतना पका लेना है कि जो आंवला है अपना सारा जो कस है वो तेल में छोड़ दे और करी पत्ते का भी और इसके सारे बेनिफिशियल जो भी गुण हैं वो तेल में आ जाएँ फ्लेम को बिल्कुल भी हाई ना करें और मैंने यहाँ पर ये हैवी बॉटम बर्तन लिया है तो इसी तरह से आप भी लें और फ्लेम को एकदम लो पर जो छोटी गैस है उसी पर रख के हम इसे पका लेंगे जब तक कि ये मिक्सचर जो हमारा आंवला है ये थोड़ा ब्राउन कलर का ना हो जाए तो इस तरह से आप देखिए आंवला काफ़ी ब्राउन कलर हो चुका है और सारे बेनिफिशियल हमारे तेल में आ गए हैं तेल का कलर चेंज हो चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे उसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे करीब 10 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है लेकिन एकदम ठंडा भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम यहाँ सौ एम एल जो कोकोनट ऑयल है वो और डालेंगे मैंने यहाँ पर सारा कोकोनट ऑयल इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है और जब आप इसके और भी बेनिफिशियल इसके गुण लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर कोकोनट ऑयल का भी यूज़ अच्छे से लेना है तो इसलिए मैंने बाकी का आधा तेल बाद में डाला है ताकि इसके जो कोकोनट ऑयल के गुण खत्म ना हो और हमें सारा अच्छे से इसका फ़ायदा मिल सके तो आज हम यहाँ पर तीन तरह के फ़ायदे लेंगे कोकोनट ऑयल का जो कि हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है साथ में स्किन के लिए भी आंवला भी और साथ ही में करी पत्ता भी तो इस तरह से तीन चीज़ मिलाकर मैंने यहाँ पर ये यह तेल बनाया है आप इसे वीक में दो से तीन बार अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में आप शैम्पू करें और अपने बालों में इसे ज़रूर लगाएं इस तेल को ट्राई करने के बाद में अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें इसे आप ढक कर करीब एक से दो महीने तक आराम से रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद में एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें थैंक यू